हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हमारा बायो का जो टॉपिक है वो है कॉमन ह्यूमन डिसीजेस। ठीक है, जो हमारी बॉडी को कौन कौन सी डिसीज़ एनवायरनमेंट से लग जाती हैं या फिर सराउंडिंग से होती हैं, तो कौन कौन सी डिसीज़ हैं जो कॉमनली हमारी बॉडी को अटैक करती हैं, कौन कौन से उनके एंजाइम्स हैं, कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम जो पढ़ना है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो हमारे डिसीज़ लगती हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगस। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से हमें डिसीज़ होती हैं। चलिए पढ़ते हैं वायरस डिसीज़ के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे वायरस डिसीज़ में हेपेटाइटिस, जो आपके सीवियर जॉन्डिस बोलते हैं इसे, और ये है आपके जो इसके इम्पोर्टेंस। हेपर लीवर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। हेपेटाइटिस ए कंटेन्स वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर। हेपेटाइटिस किसकी वजह से, ए किसकी वजह से होता है, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, और बी किसकी वजह से होता है, और सी किसकी वजह से होता है, जो आपके बी और सी होता है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बी होता है और सी होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से। जो आपका बी है वो फेटल डिसीज़ है, अगर ये एक बार हो जाए तो आदमी मरेगा ही मरेगा। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियाँ चूर चूर हो जाती हैं, इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है इसकी। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, एडिस एजिपिटी मॉस्किटो, मीन्स टाइगर मॉस्किटो। ठीक है, और इसके टेस्ट को क्या बोलते हैं, N1 एंटीजन टेस्ट। इन दिस डिसीज़, इस डिसीज़ में क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो को पोलियोमाइलिटिस बोलते हैं, और पैरालिसिस इसमें हो जाता है कोई भी पार्ट बॉडी का। और इसके वैक्सीन को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, जॉन साल्क ने। ठीक है, जॉन साल्क ने इस पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है इट इज़ स्प्रेड बाय द कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टेड बॉडी पार्ट। ठीक है, जो बॉडी पार्ट का मोस्ट इफेक्टेड होता है वो लेग्स होता है और नर्वस सिस्टम होता है। पोलियो वैक्सीन ओरल वैक्सीन होता है, OPV, डिस्कवर बाय एल्बर्ट सेबियन। ठीक है, टाइम टाइम पे दिया जाना चाहिए, नहीं तो पोलियो हो जाता है। ठीक है, एट बर्थ 3 वैक्सीन्स आर देयर, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड TV BCG। ठीक है, नेक्स्ट आई फ्लू। आई फ्लू किसकी वजह से होता है, आई फ्लू होता है जो इसमें बॉडी पार्ट जो इफेक्ट होता है वो आई होता है, और इसको कंजक्टिविस भी बोला जाता है। नेक्स्ट स्विन फ्लू। स्विन फ्लू होता है जो पिक्स की वजह से होता है, पिक्स इसमें ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इस वायरस को फैलाने में, और वायरस का नाम H1N1 होता है। ठीक है, बर्ड फ्लू जो आपको पता ही है, एवियल फ्लू मीन्स बर्ड के थ्रू होता है, और H5N1 होता है इसका नाम। ठीक है, जीका वायरस। जीका वायरस का नाम सुना होगा आपने, मॉस्किटो की बंदर की वजह से हुआ था ये। ठीक है, और सबसे पहले इस बंदर में आया था ये सबसे पहले, और स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो। ठीक है, और जीका फॉरेस्ट में युगांडा में, साउथ अफ्रीका में युगांडा है, वहाँ से ये सबसे पहले डेवलप हुआ था, और रिसेंटली ये काफ़ी चर्चा में रहा है जीका डिसीज़। ठीक है, केरला में इससे सबसे ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं। ठीक है, ब्रेन आपका इसमें पैरालिसिस होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान इससे इन्फेंट्स पे भी खतरा हो जाता है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया तो सभी को पता है, बोन जॉइंट्स के पे होता है, और ये भी मॉस्किटो की वजह से होता है। नेक्स्ट है येलो फीवर। येलो फीवर भी आपका किसकी वजह से होता है, एडिस मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल, अभी तक ये सारे वायरस चल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। स्मॉल पॉक्स, चेचक, ठीक है, परमानेंट स्पॉट ऑन द बॉडी, टोटली इरेडिकेटेड डिसीज़, मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाली डिसीज़। ठीक है, कोई ना कोई मार्क छोड़ जाती है। फर्स्ट वैक्सीनेशन इज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ वैक्सीनेशन इसको बोला जाता है, और वैक्सीन ओरिजिन काओ से हुआ था, और वैक्सीन का नाम क्या था, वेरियोला। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स में फेसिस पे भी स्पॉट्स आ जाते हैं, कफ और कोल्ड की वजह से वेरिसेला नाम होता है। नेक्स्ट मिसिल्स मीन्स खसरा,
इन चाइल्ड में टेम्परेरी स्मॉल साइज होती है, रेड कलर स्पॉट बॉडी एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मॉफ्स, कान फेड़े, कान में आपके सूजन आ जाती है, कान में कोई ना कोई फोड़ा हो जाता है, वो होता है स्वेलिंग ऑफ पैरोलाइट ग्लैंड। पैरोलाइट आपके ईयर में होता है, ठीक है, ईयर के पास होता है। और इसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो MMR वैक्सीनेशन होती है, विच प्रिवेंट्स दिस। एम मीन्स मॉफ्स, एम मीन्स मिसल और आर मीन्स रूबेला। नेक्स्ट हर्पीस, हर्पीस मीन्स त्वचा पे दाने आ जाते हैं, हर्पीस होता है। एड्स, एड्स तो आपको सुना ही है, इसके सिंड्रोम से इसको क्या बोला जाता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और वायरस का नाम क्या है, HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट मोस्ट इन्फ्लेट इम्यून सिस्टम, इसमें आपका इफेक्ट होता है। और टेस्ट, इसका इस टेस्ट का क्या नाम है, एलिसा, एंजाइम लिंक एमिनो सेबेटियन एसिन, ठीक है। एक और टेस्ट होता है इसका, वो होता है वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट, ठीक है। और डिस्कवर्ड बाय, वायरस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट गैलियो USA, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड डेज कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। नेक्स्ट रेबीज, रेबीज किसकी वजह से होते हैं, जो काटने की वजह से हो जाते हैं आपके, ठीक है। इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वाटर से डर लगने जाता है। और डिसीज़ वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट के लिए लुईस पाश्चर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। और लुईस पाश्चर डिस्कवर मीन्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेज पे, मीन्स एग्जैक्ट डेज के इंटरवल पे इसके वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। जैसे आजकल तो 4 इंजेक्शन में रेबीज का वायरस ख़त्म हो जाता है, लेकिन पहले जो था 14 इंजेक्शन लगते थे, इस तरीके का हिसाब होता था। रेबीज इज़ अ फेटल डिसीज़, ठीक है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड तो आपको पता ही है, इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, राइनो वायरस होता है इसका नाम। नेक्स्ट फंगस, फंगस डिसीज़ के बारे में, एक है रिंगवॉर्म और दूसरा है एथलीट फुट डिसीज़, ठीक है, और नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया डिसीज़, बैक्टीरिया डिसीज़ में आपके कुछ हैं पिनोमिया, पिनोमिया में लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, डाइप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम आपको डिसीज़ के नाम पे ही पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन में ज़्यादातर बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछता है, ये पूछता है कि कौन सा पार्ट इफेक्टेड है, ठीक है, और इस कौन से इफेक्ट से कौन सा डिसीज़ होता है, कौन से पार्ट के बॉडी के कौन से पार्ट्स को डिफेक्ट करने पे कौन सा डिसीज़ होता है, इस तरीके से कभी उल्टा पूछता है, कभी सीधा पूछता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और मैंने इसमें सारे डिसीज़ को कवर किया हुआ है, ठीक है। और टीबी में क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच ने। और बैक्टीरिया नेम क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और वैक्सीन का क्या नाम है, BCG, ठीक है। और ये एट अ बर्थ टाइम ही दिया जाता है, ताकि बच्चे को ना लगे, ठीक है। मेन सिम्टम्स कौन से होते हैं, फीवर, लॉस ऑफ वेट, ठीक है। टेस्ट का क्या नाम होता है, मोंटिक्स टेस्ट, टेस्ट। और स्प्रेड बाय अनहाइजीनिक कंडीशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और बाय मिल्क, ठीक है। इसीलिए इन्फेंट में ही लगाया जाता है बच्चों को, ठीक है। मोस्ट इन्फेक्टेड पार्ट, लंग एंड बोन्स। डॉट्स आर, डॉट्स एक मुहिम है जिसके तहत इंडिया में जो भी TB के मरीज़ हैं उनको ठीक किया जाता है। वर्ल्ड TB डे 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेरा, कॉलेरा किसने डिस्कवर किया, इसको भी रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया है, और उसको कोच डिसीज़ बोला जाता है। बैक्टीरिया का नाम वाइब्रो कॉलेरिया, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से होता है ये। इसका वैक्सीनेशन है ORS, ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। प्लेग, प्लेग मीन्स होता है ब्लैक डेथ डिसीज़ होता है। अगर ये हो जाए तो इसको ब्लैक डेथ डिसीज़ बोला जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। इन्फेक्टेड रेट, रेट की वजह से होता है, जो आपके कभी आपने देखा होगा जहाँ पे पानी होता है, और पानी में अगर रेट वेट निकल आए और वो मर जाते हैं तो पानी इन्फेक्टेड हो जाता है, और वहाँ से आपके ये डिसीज़ हो जाती हैं। तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को ये डिफेक्ट कर जाती हैं, और बॉडी के पार्ट्स को डिफेक्ट करेंगी तो जो आपके ब्लड हैं उसमें इसके
जो वायरस हैं वो जाते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेप्रोसी, मीन्स कुष्ठ रोग, ठीक है। किसी बॉडी का पार्ट सुन्न हो जाता है इसमें, और इसको डिस्कवर किसने किया था, हैंसन ने, दैट इज़ कॉल्ड द हैंसन डिसीज़। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइको बैक्टीरिया लेप्रस, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए आपको MDT मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट बोला जाता है इसको, ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट के नाम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, ये ट्रीटमेंट का नाम है, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड में आपको फीवर हो जाता है, ठीक है। वाइडल टेस्ट होता है इसका, और बैक्टीरिया का नाम है सेलमोनिया टाइफॉइड। नेक्स्ट है स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है। वैक्सीनेशन का क्या नाम होता है, टाइफ्रोल TAB, ठीक है। ओरल वैक्सीनेशन होता है, मीन्स पानी का, ओरल मीन्स पानी, ठीक है। नेक्स्ट है डायफ्थीरिया, डायफ्थीरिया मीन्स होता है ग्लोटिस डिसीज़ इन्फेक्ट होती है, और इसका आपका आपका थ्रोट डिसीज़ हो जाता है, थ्रोट में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, और बैक्टीरिया नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस डिसीज़, पर्ट्यूसिस डिसीज़ में कफ हो जाता है, और बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। टेटनस में आपको जो आपके जॉ होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो आपके लॉक हो जाते हैं, ठीक है। जो ऊपर का जॉ है, ऊपर और नीचे वाले जो जॉ हैं वो लॉक हो जाते हैं, वो हिल नहीं पाते, ठीक है। बाय रस्टिंग ऑफ आयरन, ये किससे, टेटनस का, टेटनस होता है, ठीक है, रस्टिंग आयरन के इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है इसका बैक्टीरिया का नाम, और वैक्सीनेशन है इसका एक है ATS और दूसरा है TT, ठीक है। नेक्स्ट है STD, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, इसका इन तीनों का वैक्सीनेशन, मीन्स किसका, डायथेरिया का, पर्ट्यूसिस का और टेटनस का, इन तीनों का वैक्सीनेशन एक ही है, ठीक है। यह लिखा हुआ है DPT वैक्सीनेशन, प्रिवेंट फ्रॉम DPT, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द ट्राइपिक ट्रिपल वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट है STD, STD मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़, सेक्सुअलिटी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपके बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ, लास्ट प्रोटोजोआ में कुछ हैं चार पांच जो आपको पढ़ने हैं। मलेरिया, नेक्स्ट है मलेरिया, प्लाज्मोडियम कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम है, स्प्रेड बाय मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। डिस्कवर बाय रोनल्स रोज, और इसके लिए आप इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था। और इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, शिवरिंग, ठंड लगना, हायर फीवर एंड स्वेटिंग, गर्मी भी होना, और लीवर और स्प्लीन, ठीक है, ये मोस्ट इन्फेक्टेड डिसीज़ करते हैं, ठीक है। और इसका ड्रग का नाम होता है क्यूनिन, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री, बार्क ऑफ द ट्री। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस, नींद आना बहुत ज़्यादा, और ये कहाँ से फैला था, अफ्रीकन डिसीज़ से, ठीक है, इसलिए इसको अफ्रीकन डिसीज़ बोला जाता है। ट्राइपोसोनिया, ट्राइफोसोनिया, ठीक है, ट्राइपसोमा, ठीक है। और स्प्रेड बाय टेसीटेसी डिसी फ्लाई, एक फ्लाई होती है टेसीटेसी, उसके डिसीज़ से होता है, उसके उसके थ्रू होता है, ठीक है। काला अजर, लिसोमिनिया, और स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई, ठीक है। पायरिया, पायरिया तो आपको पता ही है, गम्स में होता है, गम्स इन्फेक्शन होता है, और स्प्रेड बाय अनहाइजेनिक कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे आपके ये वैक्सीनेशन ख़त्म होते हैं, और ये एक मैंने एंटीबायोटिक नाम लिखा हुआ है, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फंगस होता है, और डिस्कवर बाय ए फ्लेमिंग्स। तो डिसीज़ के बारे में बस इतना ही, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और मैंने इसमें काफ़ी अच्छे नोट्स डाले हुए हैं जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे, ठीक है। और कमेंट करके ये बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलिए, ठीक है। उससे मेरे को और भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।